आज 16 अक्टूबर 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर, अपना संपूर्ण ध्यान दो आंखों के बीच एकाग्र करेंगे, महसूस करेंगे ये शरीर एक सुंदर मंदिर है। जैसे मंदिर के गर्भगृह में दिव्य ज्योति होती है, वैसे इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य प्रकाशवान ज्योति हूँ। आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान चमक रहे हूँ। जैसे बाबा चमक रहा है, वैसे मैं आत्मा भी चमक रही हूँ। शिव बाबा परफेक्ट है और मुझे भी आप समान परफेक्ट बना रहा है। बाबा की याद से मुझ आत्मा के ऊपर लगे हुए डिफेक्ट्स दूर हो रहे हैं। सर्वशक्तियों की धारणा से मैं परिस्थितियों से आने वाले इफेक्ट से परे हूं। बाबा ने मुझे बिल्कुल हल्का कर दिया। मैंने अपने सभी बोझ बाबा को दे दिए। करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। जिम्मेवारी बाबा की है तो इस निमित्त भाव से मैं आत्मा हल्की हो रही हूँ। ये श्रेष्ठ ईश्वरीय पढ़ाई से सभी के आशीर्वाद मिल रहे हैं। अपनी धारणा स्वरूप अवस्था द्वारा सेवा की मार्क्स जमा हो रही है। सभी से दुआएं मिल रही है और इन दुआओं से प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव हो रहा है। सच्चे दिल पर साहब राजी है, इसलिए सदा रूहानी मौज का अनुभव हो रहा है। और बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख के बाबा वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, आपने कल्प कल्प एक बाप की याद से सुख गनेरे अनुभव किए हैं। धारणा स्वरूप बनकर सबकी दुआएं ली है, सच्चे दिल से बाप को राजी किया है और अपने आप को निमित्त समझकर हमेशा हल्का रखा है, डिफेक्ट और इफेक्ट से परे रखा है। इसलिए बाबा आपसे अति प्रसन्न है और आपको वरदान दे रहे हैं
कि आपके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।